हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक और बेहतरीन कंपनी के बारे में, जिसे अगर हम प्रेजेंट लेवल अगर इस कंपनी का देखें, प्रेजेंट वैल्यू से अगर एसआईपी मोड में बाय करते हैं, तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म में हमें एक मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट करने का जो है पोटेंशियल रखती है। बहुत से लोग बोलते हैं, यूट्यूब पर बहुत से चैनल है जो कि बोल रहे हैं कि ये जो ये कंपनी है अगला एमआरएफ बन सकती है। तो इस वीडियो में जो है हम पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं इस स्टॉक का। ये कंपनी भी टायर ही मैन्युफैक्चर करती है, तो फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद जो है हम देखेंगे कि कंपनी किस तरीके का रिटर्न बना के दे सकती है और पास्ट में किस तरीके का रिटर्न कंपनी ने बना के दिया है। तो सबसे पहले फंडामेंटल डिस्कस करते हैं, उसके बाद जानते हैं इसके नाम, रिटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न, वो चार्ट पर देखते हैं कि अगर इस कंपनी को अगर हम बाय करना चाहें तो किस तरीके से बाय करें और वो कौन सा लेवल होगा जहां पर इस स्टॉक में जो है हम एंट्री कर सकते हैं। तो मार्केट कैप देखिए 15,367 करोड़ का है। करंट प्राइस जो चल रहा है 794 रुपीस का चल रहा है और 52 वीक हाई जो बनाया 1,467 रुपए का और 52 वीक लो बनाया 741 रुपए का। ये जो 2018 का रहा है ईयर और 2019 का अभी प्रेजेंट तक देखें तो टायर का जो है बहुत ही टायर सेक्टर जो है बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिया है। जेके टायर देख लीजिए आप, जेके टायर का तो रिजल्ट बहुत ही खराब है और एमआरएफ जितना बड़ा शेयर भी है उसके भी जो है फाइनेंशियल ट्रेंड फ्लैट रह रहा है और ये स्टॉक भी है इसका भी फाइनेंशियल ट्रेंड जो है फ्लैट है, लेकिन जो है इस कंपनी में ग्रोथ होने का पोटेंशियल अभी भी बहुत सारा जो है बचा हुआ है। तो आपको मैं जो स्टॉक है वो मैं बता रहा हूँ। डिविडेंड यील्ड देखिए 1.01% का है, फेस वैल्यू 2 की कंपनी है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.20 का है, एक से कम है, ये भी अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग देखिए 58.30% का है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। रिजर्व 4,057 करोड़ का पड़ा हुआ है कंपनी के पास कैश अमाउंट, वो टोटल जो कर्जा है 835 करोड़ का ही है। तो ओवरऑल देखें, फंडामेंटल्स पैरामीटर देखें इंपॉर्टेंट, तो सारे ही अच्छे लग रहे हैं। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं हम, तो शेयर्स देखिए पिछले क्वार्टर के कंपेयर में देखें मार्च 2019 का रिजल्ट आ चुका है 1,206 करोड़ से 1,351 करोड़ का हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे आप तो 301 करोड़ से 320 करोड़ का हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है 24% का है और नेट प्रॉफिट भी देखोगे आप तो 145 करोड़ से 185 करोड़ का है। और क्वार्टर टू क्वार्टर देखोगे तो आपको इसको क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो इसमें जो प्रॉफिट में गिरावट है टायर सेक्टर का आप ये देख लीजिए। यहाँ पर जून 2018 में 230 करोड़ था, फिर कम हुआ 222 करोड़, 145 करोड़। यहाँ पर जो है स्टॉक में अच्छा खासा जो है डाउनफॉल आया है और उसके बाद जो है कंपनी वापस रिकवरी मोड में आ चुकी है और ये कंपनी जो है अब आगे बढ़ने के लिए, अच्छा रिटर्न देने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। सेल्स देखिए टीटीएम से कंपेयर करें तो 4,447 करोड़ से 5,244 करोड़ का हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिएगा आप 1,108 करोड़ से 1,311 करोड़ का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% का है। अर्निंग पर शेयर जो है इसका देख लीजिए वो भी बढ़ा है और नेट प्रॉफिट भी आप देखिएगा तो 739 करोड़ से 782 करोड़, तो नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा जो है उछाल आया है। और इसका जो है आप 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे तो देखिए सारे ही पैरामीटर बहुत ही शानदार है। 10 साल में 22.24 का जो है आरओई इसने मेंटेन किया है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 20.90% का है। सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 16.35% का है। तो फंडामेंटल में कंपनी के कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि एमआरएफ जितना महंगा शेयर जो है बहुत ही कम लोग होते हैं स्टॉक मार्केट में, रिटेल इन्वेस्टर मोस्टली जो इतना बड़ा शेयर खरीद नहीं पाते हैं, तो उनके लिए ये एक ऐसा ही शेयर है, एमआरएफ जैसा शेयर है जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप अच्छा खासा रिटर्न जो है जनरेट कर सकते हैं। रिजर्व देखिए 4,326 करोड़ का है। टोटल असेट जो कंपनी का है 6,201 करोड़ का है। उसके अलावा कैश फ्लो देखेंगे तो आप पॉजिटिव है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है। इस कंपनी में अगर आप अपना पैसा अभी प्रेजेंट वैल्यूएशन पर अगर लगाते हो तो आपका पैसा लॉन्ग टर्म में जरूर जो है अच्छा बनेगा। वो टायर सेक्टर भी जो है अभी डाउन चल रहा है तो अभी ये एक टाइम है, अगर आप टायर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये स्टॉक आपके लिए बेस्ट रहेगा। और जो ये स्टॉक का नाम है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। स्टॉक का नाम है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज लिमिटेड
Balkrishna Industries is engaged in the business of manufacturing and selling of off-highway tires, OST, in the specialist segments such as agricultural, industrial, construction, earth movers, port, mining, forestry, lawn and garden and all-terrain vehicles, ETV. So, tire banane ki jo hai iska main business hai aur isne kis tarike ke return bana ke diye hain 10 saal mein wo dekhiye aap. 10 साल में 3843% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है और इस स्टॉक में देखें तो पिछले एक साल में जो है 33% की गिरावट आई है. तो हम चार्ट पर भी देख लेंगे कि वो कौन सा लेवल होगा जहां पर हम इसमें एंट्री करें और पीई के हिसाब से भी देखें तो इंडस्ट्री पी से थोड़ा ही जो है महंगा है, इंडस्ट्री पी से जुड़ा पी ज्यादा है. तो आप इसको स्टॉक में जो है बड़ा अमाउंट मत लगाइएगा, इस स्टॉक को एसआईपी मोड में आप जो है बाय करिएगा. और आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न बता देता हूं तो आप देखिएगा म्यूचुअल फंड ने जो है होल्डिंग बढ़ा दी है और एफआईज ने होल्डिंग घटाई है. प्रमोटर की होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है. 27 म्यूचुअल फंड का पैसा लगा हुआ है और 142 एफआईज का जो है पैसा लगा हुआ है. कंपनी का अगर सीवी देखेंगे आप तो सीवी देखिए आप, 1961 से जो है कंपनी चालू है, मिड कैप की कंपनी है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है 0.94% का और टायर से जो है इसका आता है रेवेन्यू 84.14%, पेपर बीआरडी से आता है 12.01 और पीआरएसजी से आता है 3.3. और बालकृष्णा जो इंडस्ट्रीज है अपनी इंडस्ट्री में सेकंड नंबर पर है, एमआरएफ के बाद जो है सेकंड नंबर पर ये कंपनी आती है और एमआरएफ की तरह ही जो ये कंपनी रिटर्न देने का जो है पोटेंशियल रखती है. इस शेयर का प्राइस एमआरएफ जितना नहीं हो सकता लेकिन एमआरएफ जैसा रिटर्न जो है वो आपको ये कंपनी जनरेट करके दे सकती है. तो इस कंपनी में आपको मैं जो है चार्ट बता देता हूँ. चार्ट पर देखिए आप वो कौन सा लेवल है जहाँ पर इसमें एंट्री कर सकते हैं. तो हमने जो है मंथली चार्ट जो है अभी लगाया है, 1996 से जो है हम चार्ट का जो है एनालिसिस करने वाले हैं 2019 तक. तो आप देखिए पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 9 महीने हैं. 9 महीने में से 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने जो है इसमें डाउनफॉल ज्यादा आया है. और इसका अगर एनालिसिस करें तो आप ये 10 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देख रहे हैं. यहां से ये सटा हुआ ही जा रहा था लेकिन 10 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी इसने तोड़ दिया है. अब इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट आने वाला है वो है 707 रुपए का और एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ड्रॉ की है मंथली चार्ट पर, उस हिसाब से जो है ये 716 से 720 रुपए, 716 रुपए पे जो है ये सपोर्ट ले सकता है. तो आपको क्या करना है अगर आप टायर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बहुत से सब्सक्राइबर थे उन्होंने हमें जो है बोला है कमेंट बॉक्स में कि आप टायर सेक्टर से जो है कोई अच्छा स्टॉक बताइए, हम जेके टायर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या. एमआरएफ का स्टॉक भी बहुत अच्छा गिरा हुआ है और बालकृष्णा इंडस्ट्रीज भी टायर ही बनाती है. तो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज मेरे हिसाब से जो है अगर आप टायर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए जो है बेस्ट रहने वाली है. और इसको जो है आप एसआईपी मोड में, जो करंट वैल्यूएशन चल रहा है वहां से 794 से जो है एसआईपी मोड में बाय करना स्टार्ट कर दीजिए. ये स्टॉक जो है 700 रुपए के नीचे जाना जो है मुश्किल है, लगभग जो है 716 या 20 के आसपास ही सपोर्ट लेगा. अगर गिरावट होती है तो उसके बाद अच्छा जो है बाउंस बैक कर सकता है. और फाइनेंशियल ट्रेंड सभी टायर इंडस्ट्री, पूरी टायर इंडस्ट्री देखें तो उसका जो है फ्लैट चल रहा है इसलिए जो है, और बालकृष्णा इंडस्ट्रीज में जो है अच्छा खासा जो है गिरावट हो चुका है. अब स्टॉक को जो है ऊपर जाने के लिए बिल्कुल रेडी है. तो 716 के लेवल तक जो है आप एसआईपी मोड में बाय कीजिए और 716 का अगर लेवल मिल जाता है तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी जो है आप ऐड करिएगा और पैनिक में एग्जिट में ही होइएगा. ये स्टॉक जो है आने वाले 10 सालों में आपको बहुत अच्छा रिटर्न जो है जनरेट करके दे सकता है. फिर भी किसी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें और खुद से भी अच्छे से रिसर्च करें. आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू.